आप सभी को जय सिया राम। नित्य भांति आज भी हम माँ मंदाकिनी के किनारे हैं और एक संत भगवान की तलाश में हैं, उनकी कुटिया के तलाश में हैं। और ये मेरे पीछे आप जंगल देख रहे होंगे और इन्हीं जंगल के बीच में एक छोटी सी कुटिया है। ये देखिए, कोई आलीशान नहीं है, प्लास्टिक की कुटिया है और इसी कुटिया में संत भगवान रहते हैं। और नीचे माँ मंदाकिनी की कलकल धाराएं बह रही है, आप देख रहे होंगे वो माँ मंदाकिनी की। चलिए हम आपको दिखाते हैं माँ मंदाकिनी की कलकल धाराएं कैसे बहती है। देखिए ये माँ मंदाकिनी की कलकल धाराएं बह रही है और घना जंगल है, पत्थर है, पहाड़ है, जंगल है, कितना घना जंगल है। और इसी घना जंगल के ऊपर वो छोटी सी कुटिया है। चलिए देखते हैं और दर्शन करते हैं संत भगवान के, जो संत भगवान अभी क्या कर रहे हैं। और जंगल की कुटी है, इसमें ही संत लोग रहते हैं। देखिए संत भगवान अभी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। सीताराम प्रभु जी, सीताराम, देखिए प्रभु जी अभी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। और देखिए वनवासी राम के लिए जंगल में रहने वाले संत कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं, कैसे भजन संध्या करते हैं। प्रभु जी आज क्या सब भोजन प्रसादी में बन रहा है ठाकुर जी के लिए? दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, हुआ तो सब बन जाता है। जी जी। नहीं हुआ तो दाल टिक्कड़ तो है ही है। हाँ। जब भगवान देता है, ठाकुर जी भेज देता है। अच्छा, तो कोई फिक्स नहीं रहता है कब क्या बनता है? फिक्स नहीं रहता। अब यहाँ जंगल है, जंगल में कभी कभी खाली रोटी नंबर आता है, कुछ भी नहीं रहता है। और कभी कभी सब कुछ हो जाता है, सब्जी भी कोई ला के दे देता है, भगत दाल चावल भी ला के दे देता है। तो समय समय पर रहा तो सब बनाए ठाकुर जी की, अब उन्हीं की इच्छा से सब चलता है। जी जी। उनको जब जो पाना हुआ तो मंगा लेते हैं। अगर सब्जी रोटी पाना हुआ तो खाली सब्जी रोटी भर, कभी दाल रोटी भर पाना हुआ तो खाली दाल रोटी, जो उनकी इच्छा हुई वो अपने हिसाब से ठाकुर जी मंगा लेते हैं। तो जब आ जाता है तो सब पवाते हैं, और जब नहीं आता है जो है तो वही जो ठाकुर जी पाएंगे वही हम पा लेते हैं प्रसादी। प्रभु जी ये क्या डाल रहे हैं? ये अदरक मिर्ची है। अच्छा। उठने उठने का गिलास में ही बेलना से कूट लेते हैं। इसी भी कूट लेते हैं। क्या करें, यहाँ कहाँ से लाएं मिक्सर, कहाँ से लाएं यहाँ कलवट्टा। तो क्या सब बना रहे हैं आज भोजन प्रसादी में? दाल चावल बन गया है। हाँ। ये सब्जी बन, वो दाल का तड़का लग रहा है। हाँ। दाल का तड़का लगा रहे हैं। अच्छा, तड़का में हल्दी ये सब दिए हैं। अदरक सब। दाल का तड़का है। तो देखिए कोई मसाला नहीं डालते हैं, खाली हल्दी राम रस और धनिया पाउडर बस। और कोई वस्तु नहीं रहती है, सादा सिंपल ठाकुर जी का रहता। देखिए जंगल में ऐसे ही संत लोग भोजन प्रसादी बनाते हैं। अच्छा प्रभु जी जलावन पे भी बनाते होंगे भोजन प्रसादी? जलावन पे? हाँ, धूना पे बनाते थे ना, धूना पे ही बनाते थे। अच्छा। तो अभी एक दे गया ये सिलेंडर, अभी एक महीना ही हुआ है गैस सिलेंडर आए, तो इधर बना लेते हैं रोटी, उधर बना लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी की कृपा से हो गया। अब ठंडी जैसे गर्मी गर्मी में आए इसमें थोड़ा बना लेते हैं। हाँ। अभी ठंडी चालू होगी तो सब धूना में ही बनेगा। अच्छा। ये पूरा ठंडी चार महीना उसी में सब बनता है। प्रभु जी इसमें प्रभु की भक्ति कैसे करते हैं? प्रभु की भक्ति तो भगवान पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मन को शुद्ध करना चाहिए। हमारा मन शुद्धिकरण जब तक नहीं है तब तक भगवान की भक्ति होगी नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें मन को शुद्ध करना। मन शुद्ध कैसे होगा?
जब सही स्वच्छ खान पीन होगा, स्वच्छ रहन सहन होगा, टाइम टेबल से उठना बैठना होगा, तब हमारा दिमाग भी सही रहेगा। सुबह प्रातः काल में उठना, नाम ध्यान करना, तो भगवान का नियम पूजा पाठ नित्य करना, जब हम उस चीज़ को करते रहेंगे करते करते फिर हमारा मन उसी में लग जाता है। वही भक्ति है, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले हैं तो गृहस्थ जीवन वाले तो साधु की तरह नहीं कर पाएंगे जी, नहीं होता है उसमें, नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए सही मार्ग बताए गए हैं कि सही मार्ग पर चलो, सच्चाई पर चलो, सच्चाई बोलो, शुद्ध खान पीन रखो। लेकिन आजकल का खान पीन इतना बदल गया है लोगों का जी प्रभु, खान पीन से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, विनाश का कारण बन रही है। पहले बुजुर्ग लोग भी जो होते थे पुराने, आज से हम 25 साल पहले हम लोग देखते थे जी जी, तो वो लोग अपनी मृत्यु को जान लेते थे ग्रस्त जीवन में भी रहते जी जी, लेकिन आजकल के सब लोग नहीं जान पाते हैं, तो उनका खान पीन शुद्ध रहता था और गृहस्थ जीवन में भी कैसे खेती में डाल आते थे अनाज, वैसे देसी खातू तो हो जाता था। अब आज तो 50 तरह का दवा डालते हैं तब कहीं जाके अनाज तैयार होता है, तो दवा वाला खाते हैं तो दवा में ही उनकी ज़िंदगी चलती है जी 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 प्रभु। जब दवा वाला अन्न खाएंगे, कोई व्यक्ति आजकल बिना गोली के नहीं जी पा रहा जी, कारण यही है कि खान पीन सही नहीं है, इस वजह से खान पीन शुद्ध। प्रभु जी, इसी में आप सब्जी बनाएंगे? इसी में सब्जी बना लेंगे। अच्छा, ये लौकी आलू है, देखिए प्रभु जी ये लौकी काटे हैं, ये आलू है, ये टमाटर है, नहीं बोलते अमनिया बोलते हैं ना, अमनिया बोलते हैं। साधु साही में भाषा का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी 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 जी, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं सब ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते, अपने लिए नहीं, भगवान है, ठाकुर जी हैं जी जी। उनके लिए बनाते हैं, उनको प्रेम से बना के भोग लगा के फिर उनका प्रसादी पाएंगे। अच्छा। तो जब उनका भोग बनाते हैं तो हमें शुद्धता, भाषा, वाणी का सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जी जी। तो इसीलिए तो कहा गया है कि सनातन धर्म में, हिंदुत्व धर्म में ये भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञान रखना पड़ता है, कौन भाषा कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि ऐसे नहीं मिलती है, 84 लाख योनियों से भटक भटक के आते हैं तब मनुष्य योनि लास्ट में मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि भगवान क्यों देता है कि ये भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, अच्छे कर्म करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि इंसान हर चीज़ को समझता है जी जी। जानवर पशु थोड़ी इतना समझता है, तो इंसान सब समझता है, तो समझते हुए भी आजकल इंसान गलतियां कर रहा है, अपने आप को भूल रहा है कि मेरा कर्म क्या है, मैं क्यों आया हूँ। गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है जी जी, तो वो सिर्फ गर्भ के अंदर हाथ जोड़ के चिल्लाता है कि मुझे प्रभु इस नरक से निकालो, क्योंकि सबसे बड़ा नरक है गर्भ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जब ज़मीन में गिरता है तो उसका पहला शब्द होता है कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, उसका पहला शब्द होता है बच्चे का, ज़मीन में गिरते ही वो कहाँ की आवाज़ आती है। इसी के लिए माया मोह से बचने के लिए सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। अच्छा। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। 12 वर्ष का जब बालक हो गया गर्भ के अंदर, तो भगवान वेदव्यास विष्णु भगवान की प्रार्थना किए कि प्रभु ये कैसा गर्भ है कि 9 महीने का गर्भ होता है 12 वर्ष बिता दिए। तो भक्त के लिए भगवान को आना पड़ा, और जब प्रार्थना किए व्यास जी, तो फिर भक्त के लिए गर्भ के अंदर भगवान विष्णु गए। तो यानी भगवान भक्त के लिए नरक में भी जाते हैं, ये प्रमाण है, क्योंकि सबसे बड़ा नरक है गर्भ, लेकिन भगवान नरक में भी गए भक्त के लिए, क्योंकि वहाँ भक्त उनका था। तो वहाँ गर्भ में जाके सुखदेव जी को बोले कि सुखदेव अब बाहर निकलो, बहुत समय हो गया। बोले प्रभु मैं बाहर जाऊँगा तो माया में लिपट जाऊँगा, आपकी भक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति को कष्ट पड़ता है तो भगवान का नाम आता है,
और जब सुख रहता है तो भगवान का नाम व्यक्ति भूल जाता है। तो कहते हैं ना कि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख में तो सब सुमरन करते हैं पर सुख में लोग भूलने लगते हैं। सही बात। तो इसीलिए जब जैसे जमीन में बच्चा गिरता है तो आके कहाँ कहाँ बोलेगा और वहाँ लिपट जाएगा, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा फलान है, ढिकान है, उसी माया में वो लिप्त हो जाता है। तब भगवान ने सुखदेव को वरदान दिया कि तुमको माया नहीं घेरेगी, तुम माया से मुक्त रहोगे। तब जैसे जमीन पर गिरे वैसे ही खड़े हो गए 12 वर्ष के बच्चे, तुरंत निकल गए जंगल में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम क्यों आए हैं, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। आजकल लोग ज़्यादा झूठ का रास्ता पकड़ना, किसी का मार के भी उसको अपना संपत्ति हड़प लेना, कैसे करके संपत्ति आना चाहिए, संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, बाप बेटे का दुश्मन बन रहा है, इसी हाय हाय में लोग आजकल कहाँ कौन मर जाएगा। आजकल किसी अपनी कोई अपनी मृत्यु को नहीं पहचान सकता है कि कब मेरी मृत्यु आ जाएगी, उम्र पूरी नहीं हो पा रही, कोई कहीं मर जाता है, कोई कहीं मर जाता है। पहले के पुराने लोग, बुजुर्ग लोग अपनी मौत को भी पहचानते थे कि अब मेरी आयु पूरी हुई, अब मैं जाने का टाइम आ गया। आजकल कहाँ किसी को पता चलता है, कहो चलते चलते यहाँ से और 2 किलोमीटर नहीं गए रोड में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, परिवार के परिवार मर जाते हैं। कलयुग में 3 पाया अधर्म के हैं और 1 पैर धर्म का है। तो धर्म क्या है? दान। तो हमारे जो हमारे कुकर्म होते हैं, जो हमारी गलतियां होती हैं, तो हम दान करके उन गलतियों से भगवान से क्षमा रूपी हम मांग लेते हैं तो हमारे अधर्म कट जाते हैं। अच्छा प्रभु जी, आपके अगर हमारे साथ कोई अधर्म करता है, गृहस्थ जीवन में किसी के साथ कोई अधर्म करता है, चाहे वो किसी चीज के लिए, तो धर्मात्मा लोगों को क्या करना चाहिए? उसका कर्म है, वो जो तुम्हारे पास अधर्म कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उसका कर्म है। हाँ। तो उसका कर्म वो भोगेगा, आप नहीं भोगोगे उसको। तुमको तुम्हारा जो कर्म है, तुम अपनी सच्चाई पे चलो ना, तुम अपने सही मार्ग में। एक इसी बात पर एक कथा आपको सुनाते हैं। काशी के राजा थे, वो वहाँ के राजा के द्वारपाल थे, तो गंगा पार हो रहे थे बनारस में। गंगा पार हो रहे थे तो नौका जा रही थी, तो 2 द्वारपाल थे काशी राजा के। तो काशी नरेश के द्वारपाल गंगा पार हो रहे थे, उसी नौका में एक साधु और एक उसका चेला, गुरु चेला दोनों उसी नौका पे सवार थे। तो जो द्वारपाल होते हैं राजा के, तो कल वो भाला लिए और मोजड़ी पहले चलती थी, तो चमड़े की मोजड़ी पहनते थे, जूता राजस्थानी में मोजड़ी बोलते हैं, वो मोजड़ी पहनते थे। तो वो 2 द्वारपाल नौका में थे, गुरु चेला नौका में बैठे थे। तो जो चेला बैठा हुआ था, तो वो जो द्वारपाल का पैर था, उसके पैर पे पैर रखा हुआ था, चेला के पैर में द्वारपाल का पैर रखा हुआ था। तो उसको दर्द हो रहा था, चेला का पैर दब रहा था, लेकिन डर था कि भाई काशी नरेश के द्वारपाल हैं, अगर बोलेंगे तो मार देंगे, फेंक देंगे गंगा जी में। तो डर था उसके अंदर, तो डर के कारण बोल नहीं पा रहा था वो। तो जब गंगा जी पार होने लगे, पीड़ा तो सहन कर रहा था लेकिन बोला नहीं चेला। जैसे गंगा जी पार हुए, जब उतरने का टाइम आया, तो जो उसके साथ में दूसरा था, वो तो पानी में ही नाव खड़ी होती है, पानी से कूदना पड़ता है, तो जैसे ही वो भाला को फेंका, अब भाला कूद फेंक के कूद गया जो बगल में खड़ा था। जो चेला पर पैर रखा हुआ था, वैसे ही वो भाला ठेगा, और जैसे ही कूदा तो भाला सीधे छाती में घुसा उसके, और वहीं का वहीं वो मर गया द्वारपाल। तो जब वो मर गया, तो जिसके ऊपर वो पैर रखा था, तो वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे रास्ता भर मुझे तकलीफ दिया है, बहुत दर्द हो रहा था भाई, मोजड़ी का पैर पड़ेगा पैर के ऊपर तो दर्द होगा। तो वो अच्छा खुश हुआ, मुस्कुराने लगा। तो गुरु ने देख लिया उसके चेहरे की तरफ, तो चेला से कहा कि तुमने हंसे क्यों, मर गया वो, उसकी मौत हो गई, तुम खुश हो रहे हो, दुखी होना चाहिए। बोले गुरुदेव, ये मुझे पूरी रास्ता दुख दिया है, पूरी रास्ता मुझे तकलीफ दिया है, मेरे पैर के ऊपर पैर रखा था, ये हटाया नहीं, मैं डर के मारे कुछ बोला नहीं। बोले तुम्हारी गलती है, तुमको जब तकलीफ दे रहा था तो तुमको बोलना चाहिए, तुम बोले नहीं हो, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के कारण तुम हो, ये तुम्हारी वजह से मृत्यु हुई है। तो वहीं पर गुरु ने चेला को श्राप दिया, इसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा और मैं तुमको परित्याग करता हूँ।
तो कहने का मतलब कि अगर हमें कोई गाली देता है, कोई मारता है, कुछ भी हमको प्रताड़ना देता है, तो अगर हम उससे सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम उससे लड़ाई नहीं करते हैं, तो फिर उसका निर्णय परमात्मा करता है। और अगर हम उससे लड़ाई करेंगे तो फिर परमात्मा बीच में नहीं आता, फिर परमात्मा छोड़ देता है कि तू अब अपने हिसाब से अपने तरीके तो से। अच्छा तो यही है ना प्रभु जी, जो हम प्रभु पे छोड़ दिए, हम हाँ, कौन छोड़ा करें? हाँ, प्रभु पे हम अच्छा छोड़ मतलब दें, तो कोई हमारे साथ गलत करता हाँ, है तो हमें चुप रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, हमें परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य करो, कुछ भी करो, तो यानी सिर्फ परमात्मा जाने और किसी से कोई मतलब। वो न्याय करते हैं, वो न्याय करते हैं, उसको हमेशा एक ना एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा उस पर अगर भरोसा रहता है। और हम ही अगर लड़ने लगेंगे, हम ही बदला उसको देने लगेंगे, तो फिर भगवान भी कहता है तू अपने हिसाब से निपट। हमारे शंकर भगवान के रसोई जगह है और ये कुटिया का अंदर का भाग है और यहाँ पे गुरु भगवान हैं, संत भगवान के ठाकुर जी हैं, गुरुदेव हैं, और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। कुटिया का ऐसे ही स्थल होता है, ऐसे ही शालिग्राम भगवान है यहाँ पे। अच्छा नर्मदेश्वर महादेव भी है, अच्छा अच्छा नहीं नर्मदेश्वर महादेव है और ये पूजा स्थल ही है और ये संत भगवान का शयन स्थल है और यहाँ पे दो संत भगवान रहते हैं, चतुर्माशा ना, चतुर्माशा में प्रभु जी रहते हैं। यहाँ पे एक और संत भगवान हैं जो भजन कर रहे हैं। प्रभु जी, ये चतुर्माशा क्या होता है? चतुर्माशा साधु संतों के लिए चार महीना का एक नियम होता है कि हमें ये चतुर्माशा भी कई तरीके से होता है भगवान के, ये सब भगवान के लिए करते हैं, भक्ति के जी, लिए जी, जी, जी। तो कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। एक चतुर्माशा होता है कि हमें दिन में हम कहीं भी घूम रहे हैं लेकिन रात में हमें बिस्तर में सोना है, दूसरी जगह हमें नहीं जाना है क्षेत्र छोड़ के। एक चतुर्मासा वो भी होता है चार महीने का, देव सैनी से देव उठी ग्यारस तक होता है, जब चार महीना भगवान सहन करते हैं उस टाइम। वो फिर उसके एक दूसरा होता है कि हमें एरिया के अंदर रहना है, एरिया से बाहर नहीं जाना है। अच्छा। तीसरा होता है कि एक अंदर रहना है, धूप में नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। हमें लघु शंका भी लगे, डोल डाल भी लगे, उसको कंट्रोल करना है। अच्छा। बाहर नहीं निकलना है। तो ये संत लोग कौन सा है? यही कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब दिन भर निकलेंगे नहीं, दिन भर नहीं धूप में, सिर्फ रात को निकलेंगे। रात को, तो सुबह में कितने बजे निकलते हैं ये लोग? सूर्य उदय से पहले सब नित्य क्रिया कर्म कर लेते हैं, 3:30 बजे से उठ जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने सुबह का सूर्य उदय से पहले सारा नित्य क्रिया कर्म बाहर का कर लेना, फिर अब शाम को सूर्य अस्त के बाद ही बाहर निकलेंगे। और एक होता है बाहर वाला, तो जो कि अंदर नहीं आते हैं, उसमें पानी हो तो पानी भी सहन करना, धूप है धूप भी सहन करना, बाहर वाला वो सबसे कठिन होता है। अच्छा, तो दिन भर कुछ अगर इनको परेशानी हो जाए तो फिर कैसे? कुछ भी हो, वही तो सारा कंट्रोल करना, वही तो भक्ति है, वही तो तपस्या है। कहते हैं चित्रकूट सच में तपस्वी का एक स्थल है, तपस्या है, तो सबसे होता भी नहीं है, नहीं होता, लोग करते करते भी खंडित कर देते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है? खंडित भी हो जाता है, बहुतों का खंडित हो जाता है। तब तो प्रभु का कृपा होना चाहिए, करना तो बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा होना चाहिए, उनकी कृपा। हमारे बाबा जी हैं एकदम बढ़िया परिपूर्ण चतुर्मासा कर रहे। अच्छा अच्छा, देखिए हमारे संत भगवान का लौकी का साग अभी आधा बन गया है और संत भगवान स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। प्रभु जी, पानी जो लाते हैं आप लोग यहाँ, तो चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है? मंदाकिनी का ही पीते हैं। अच्छा, जो सामने बह रही है मंदाकिनी, बस इसी का, इसी में स्नान करना, इसी का जल लाना, इसी से बनाना। अच्छा। इसी को पीना, अब उसकी शरण में रहते हैं तो उसी को यूज करेंगे, उसी के लिए तो यहाँ पड़े हैं जंगल में, इसीलिए। प्रभु जी, मंदाकिनी का जल हमने भी पिया है बहुत बार, जब जंगल आते हैं तो पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट पानी है। और ये कई जड़ी बूटियों से छटा हुआ, पहाड़ों से आता है। अच्छा। तो इसमें कई जड़ी बूटियों का इसमें वो है, और ये खाली मंदाकिनी नहीं है। हाँ। इसमें नर्मदा भी है, गंगा भी है। हाँ। ये जब भगवान राम का वनवास हुआ था, यहाँ भगवान राम 11.5 वर्ष थे वनवास के टाइम में,
11.5 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किए। उस टाइम में भगवान की सेवा में 5 नदियाँ आई थी। तो एक तो मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी यहाँ आई है, तो इसके अलावा नर्मदा भी है। नर्मदा वहाँ सती अनुसुईया जाते हैं तो पुल के नीचे से जाती है, पुल के नीचे से पीछे वो नर्मदा है, नर्मदा है, गंगा भी है। जमुना, ये गंगा का, मंदाकिनी तो गंगा का ही रूप है। तो क्योंकि जब अच्छा गंगा के पानी का रंग और ये मंदाकिनी हूबहू मिलता है, क्योंकि वो गंगा ही है, क्योंकि हम हरिद्वार का पानी और ये पानी बराबर है। अत्रि मुनि तपस्या करते थे यहाँ पर, तो तपस्या करते करते उनको प्यास लगाई और उस टाइम में यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, कहीं भी पानी नहीं था। तो अत्रि मुनि ने अनुसुईया जी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, प्यास, पानी लाओ देवी कहीं से। तो कमंडल लेके सती अनुसुईया जी निकल पड़ी पानी ढूंढने के लिए। जब पानी ढूंढते ढूंढते जो ढूंढने के लिए जा रही, तो पीछे पीछे उनके एक औरत चल रही, पायल की छन छन की आवाज़ सुनी सती अनुसुईया ने। तो देखा पीछे मुड़ के तो एक औरत आ रही सजी धजी। तो पूछा सती अनुसुईया ने कि आप कौन हो, आप मेरे पीछे पीछे चल रही हो। तो उस औरत ने कहा कि हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं और आपके दर्शन मात्र से हम जैसों के पाप गुप्त हो जाते हैं। तो आप कहाँ जा रही हैं, उस औरत ने पूछा। बोले मैं तो पानी ढूंढने के लिए निकली हूँ। तो फिर उस औरत ने कहा कि तुम यहाँ सामने गड्ढा करो। तो फिर उन्होंने, सती अनुसुईया ने गड्ढा किया और वो जो औरत थी पीछे उसी गड्ढे में समा गई। अच्छा। गुप्त हो गई, इसीलिए नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। तो वही गंगा जी ही, जो औरत थी वो साक्षात गंगा जी थी। अच्छा। तो गंगा जी ही प्रकट हुई है। भक्तों, अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और संत भगवान अभी कुटिया के बाहर टहल रहे हैं। तो चलिए अब इसी आश्रम से, चित्रकूट से, अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए भक्तों, तो आज का सत्संग कैसा रहा, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम निकलते हैं अपनी घर की ओर, क्योंकि चित्रकूट से ये करीब करीब 8-10 किलोमीटर है और करीब करीब भी कुछ दिन हुए हैं और कुछ दिन रहेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे, जय सियाराम, राधे राधे।